Hello, my dear students. Again, I am here. I am Pankaj Bakshi from St. Arnold Higher Secondary School, Vijayanagar, Indore. ये वीडियो में अपने प्यारे क्लास 12th के स्टूडेंट्स 2020-21 बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको डेडिकेट करता हूँ. दे आर वेरी गुड, वेरी स्वीट, वेरी पोलाइट. आई एम ऑल्सो प्लेइंग विद दैम, स्पेशली वॉलीबॉल. आई एम नॉट ए गुड प्लेयर, पर फिर भी वो मुझे अपने साथ खिलाते हैं और सर्विस भी देते हैं. आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द स्टूडेंट्स. गॉड ब्लेस देम. तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज स्पेशली चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे देता है. तो देखिए, यू नो वेरी वेल हमारे जीवन का उद्देश्य है अभी फ़िलहाल मोबाइल चलाना, और मोबाइल चलाने के लिए हमारे पास होना चाहिए चार्जर, करंट, और करंट के लिए हमारे पास होना चाहिए चार्ज. यानी चार्ज जो है, दिस इज़ द सोर्स ऑफ एवरीथिंग. चार्ज के अराउंड एक फील्ड होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज़ नॉट विजिबल, इट इज़ नॉट विजिबल, बट इट इज़ ए रियलिटी. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड विजिबल नहीं है, लेकिन ये रियलिटी है. जैसे भगवान है, लेकिन भगवान दिखाई नहीं देता है. इलेक्ट्रिक फील्ड आखिर में होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इफ़ देयर इज़ ए चार्ज, देन अराउंड द चार्ज देयर इज़ ए रीजन इन विच इफ अनदर चार्ज ट्राइज टू एंटर, देन इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स आउटसाइड और इनसाइड. मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ. अभी रामायण आप देख रहे होंगे या देखी होगी, या कई लोग रामायण के बारे में जानते भी होंगे. उसमें सीता जी थी, और सीता जी जो हैं उसे हम सेंटर में मान सकते हैं सोर्स चार्ज, और ये बाहर से रावण अंदर आने की कोशिश करता है. और रावण जब अंदर आने की कोशिश करता है तो यहाँ लक्ष्मण रेखा जो है उससे वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है और रिपेल होता है. तो ये पूरा जो रीजन है, स्फेरिकल रीजन, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड द रीजन और स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच इट्स इफेक्ट और influence can be measured. The region or space around a charge in which its effect or influence can be measured. So charge, चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के चार्ज मूव नहीं कर सकता. वो स्टैटिक होगा, और अगर वो स्टैटिक होगा तो वो करंट जनरेट नहीं कर पाएगा. अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे ढूंढें? वो तो दिखाई नहीं देता, लेकिन वो है ज़रूर. तो जब कुछ नहीं होता तो उसको पता लगाने के लिए, जैसे भगवान है और हमें पता है वो नहीं है, तो हम मंदिर बनाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, सूफी संगीत या भजन के माध्यम से उनको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमने तीन तरीके ढूंढे, थ्री मेथड्स वी हैव. द फर्स्ट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये जो क्वांटिटी होती है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है. दिस इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. देयर इज सेकेंड अनदर क्वांटिटी, दैट इज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स. इससे भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं. और थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं, एक और क्वांटिटी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, एंड दिस क्वांटिटी इज स्केलर क्वांटिटी. तो यहाँ वेक्टर और स्केलर की बात कर रहा हूँ. और एक इसके पहले का जो डेरिवेशन है वो मेरा रह गया है. वो डेरिवेशन आपको मालूम है कि कोलंबियन फोर्स इन वेक्टर नोटेशन, वो मैं इसके बाद ज़रूर डालने की कोशिश करूँगा या पहले ही. तो इन तीनों की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकते हैं. तो हम एक एक करके तीनों क्वांटिटीज़ को लेंगे. तो सबसे पहले हम आज लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, इलेक्ट्रिक
इंटेंसिटी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहा जा सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आखिर में है क्या? एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट एवरी पॉइंट, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। तो आप हमेशा याद रखें कि सबसे पहले आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए होना चाहिए चार्ज, और इस चार्ज को हमने यहाँ लिया, इसे हम कहते हैं सोर्स चार्ज। दिस इज सोर्स चार्ज, और ये सोर्स चार्ज चारों तरफ अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा है। ये जैसे कि आप हैं और आप इस रीजन में कोई भी आया तो आप उसको पकड़ सकते हो, धक्का दे सकते हो या अपने पास ले सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि ये कोई एक स्पेशल पर्सन है या चार्ज है। अब आपके पास आपका एक हमेशा फ्रेंड रहता है, उसे हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्यू नॉट होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है और वैनिशिंगली स्मॉल होता है। आपने कई बार देखा होगा कि कहीं करंट चेक करना है तो एक टेस्टर हम यूज़ करते हैं, उस टेस्टर से जैसे ही हम रखेंगे लाइट जल जाती है। तो ये वही टेस्ट चार्ज है, ये आपका दोस्त है, अब हर जगह काम आने वाला है। तो टेस्ट चार्ज को यहाँ हमने एक पॉइंट पे रखा, सपोज एम पॉइंट पे। एम का मतलब होता है मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं मतलब आप। तो आप यहाँ खड़े हैं और डिस्टेंस आपका सोर्स चार्ज से आर है, एंड यू वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट एम। तो जब आप एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो इसका मतलब आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर आप टेस्ट चार्ज रख देंगे। जैसे ही आप टेस्ट चार्ज रखेंगे, आपको पता है इन दोनों के बीच में कूलम्बियन फोर्स आ जाएगा और ये रिपल हो जाएगा बाहर की तरफ। अगर ये निगेटिव चार्ज है तो ये अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकालनी है हमें इस सोर्स चार्ज की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का एक फार्मूला होता है, उससे आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। यहाँ एफ आपको मालूम है वेक्टर होता है, तो ई भी वेक्टर हो गया, और यहाँ पर हम लिमिट लिखते हैं, लिमिट क्यू नॉट टेंस टू ज़ीरो। क्यू नॉट टेंस टू ज़ीरो मीन्स क्यू नॉट यानी वैनिशिंगली स्मॉल होना चाहिए चार्ज। तो पहले मैं डेफिनेशन बताता हूँ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब आगे से मैं ई एफ आई लिखूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, आप देखिए ध्यान से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड, और अपॉन मतलब पर होता है, इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट प्रोवाइडेड, ये जरूरी है प्रोवाइडेड लिखना, प्रोवाइडेड टेस्ट चार्ज मस्ट बी वैनिशिंगली स्मॉल अदरवाइज इट में मॉडिफाइज द फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। प्रोवाइडेड टेस्ट चार्ज मस्ट बी वैनिशिंगली स्मॉल अदरवाइज
इट मे मॉडिफाइज द फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। तो यहाँ देखिए ये जो टेस्ट चार्ज है बहुत स्मॉल होना चाहिए, नहीं तो ये इसके फोर्स को बताएगा नहीं, ये इसका अगर अपोज करेगा तो, और ये ज़ीरो भी नहीं हो सकता। यहाँ हमने लिखा लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू ज़ीरो, ज़ीरो के मतलब ज़ीरो नहीं होगा, ज़ीरो के बिल्कुल पास होगा, बहुत ही स्मॉल, कि सोर्स चार्ज जो भी इसके ऊपर फोर्स लगाए ये उसको एक्सपीरियंस करे, तभी ये इसका रियल इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स पता लगा पाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ देखें तो ये स्केलर है या वेक्टर, तो यहाँ पता लग रहा है आपको देख के कि ये इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो अगर ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। फोर्स कौन? टेस्ट चार्ज जो एक्सपीरियंस करेगा, यानी टेस्ट चार्ज अगर बाहर जाएगा तो आउटवर्ड और इनवर्ड आएगा तो इनवर्ड। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज और इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज की खासियत देखी आपने कि टेस्ट चार्ज आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी निकाल के बताता है और टेस्ट चार्ज आपको ये भी बताता है कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। वो कैसे है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये सोर्स चार्ज सपोज पॉजिटिव है, दिस इज सोर्स चार्ज एंड यहाँ पर मैं हूँ मतलब ऑब्जर्वेशन पॉइंट, तो यहाँ पर हम टेस्ट चार्ज रखेंगे। जैसे ही हम टेस्ट चार्ज रखेंगे वो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स। अब ये पॉजिटिव है, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो आप जानते हैं कि इट विल मूव आउटवर्ड आउटवर्ड, हैंस इसी डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होगी क्योंकि इसी डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। सपोज योर सोर्स चार्ज इज नेगेटिव, इफ़ योर सोर्स चार्ज इज नेगेटिव एंड दिस इज़ योर ऑब्जर्वेशन पॉइंट वेयर क्यू नॉट इज प्लेस्ड, सो नाउ दिस इज़ पॉजिटिव एंड दिस इज़ नेगेटिव, तो ये इस तरफ मूव करेगा, यानी इट एक्सपीरियंस फोर्स इन दिस डायरेक्शन, सो दिस इज़ ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इनवर्ड्स। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया फॉर पॉजिटिव सोर्स चार्ज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, देखिए क्या थी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आउटवर्ड्स, दैट इज अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज एंड अगर नेगेटिव लें तो फॉर नेगेटिव सोर्स चार्ज डायरेक्शन इज क्या होगी, डायरेक्शन इनवर्ड्स है, अब डायरेक्शन इज इनवर्ड्स दैट इज टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो डायरेक्शन आपको समझ में आ गई कि जिधर ये मूव करेगा टेस्ट चार्ज बस वही डायरेक्शन होगी, आउटवर्ड या इनवर्ड। अब ये क्वांटिटी की SI यूनिट बहुत ज़रूरी है, तो इसकी हम SI यूनिट यहाँ से निकालते हैं। तो SI यूनिट फार्मूले से निकालते हैं, हमेशा बताया F होता है न्यूटन और क्यू नॉट यानी चार्ज कूलम, तो ये हो गया न्यूटन पर कूलम। इसकी एक और यूनिट होती है जो बाद में बताऊँगा आपको कैसे बताया आई है, दैट इज़ वोल्ट पर मीटर, इसे कहते हैं वोल्ट पर मीटर। तो अब आपको ये क्लियर हो गया अच्छी तरह, ये आप देख भी लीजिए।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में मैंने आपको अच्छी तरह देखिए बता दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगा। एक्चुअली व्हाट इज़ द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हेल्प से ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स किसी भी चार्ज या दो चार्जेस के ऊपर या ग्रुप ऑफ चार्जेस के कारण कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो हम पता लगा सकते हैं। तो अब मैं जितनी भी डेरिवेशंस करने वाला हूँ वो तीन चीज़ों के लिए होंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम सबसे पहले निकालेंगे पॉइंट चार्ज के लिए, हमेशा पॉइंट चार्ज आप समझ सकते हैं एक ही चार्ज लेंगे। फिर हम लेंगे ग्रुप ऑफ चार्जेस, इसे कहते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। और थर्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक डायपोल। ये मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो ये आज हम निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि जब भी आप पढ़ाई करें तो एक कॉपी ज़रूर लेकर बैठें और साथ साथ में लिखते जाएं, क्योंकि बार बार वीडियो आप नहीं देख सकते हैं, आप एक वीडियो देखने के बाद तुरंत भूल जाते हैं। और मैं आपको बार बार ऐसे दिखा रहा हूँ, अगर कहीं छूट जाए आपका तो आप लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज लेते हैं। सबसे पहले ये पॉइंट चार्ज ले लिया मैंने, यहाँ पर ओ पॉइंट पर एक प्लस क्यू चार्ज लिया, इसका सब तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जैसे आप हैं आप सबका, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सब तरफ है। और यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हियर एट पॉइंट, किसी भी एक स्पेशल पॉइंट पे लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। इसका यहाँ से सबसे पहले डिस्टेंस ले लो, ये आर मान लिया मैंने। और अब आपको याद है कौन आपकी हेल्प करेगा? आपकी हेल्प करेगा आपका फ्रेंड टेस्ट चार्ज, जो आपके कंधे पर बैठा रहता है, उसको उठाओ कि ना आ जा बेटा, उसको यहाँ बिठाया आपने टेस्ट चार्ज को। जैसे ही टेस्ट चार्ज को यहाँ आपने रखा वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो उससे आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब वो कैसे आएगी वो हम देखते हैं। तो आपको याद है ई का फार्मूला एफ अपॉन क्यू नॉट होता है, तो सबसे पहले हमें एफ़ निकालना पड़ेगा। अगर एफ़ निकल गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी निकल गई। तो पहले कंसीडर लिखेंगे दो लाइन, जैसे आपके घर कोई आता है तो आप उसको बताते हैं कि ये हमारा बेटा है, हम ये हमारी बच्ची है, और नमस्ते करते हैं, उसे कहते हैं कंसीडर। तो कंसीडर ए पॉइंट चार्ज क्यू एट पॉइंट ओ, फिर एम हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, लेट एम बी अवर ऑब्जर्वेशन पॉइंट वेयर ओ एम इक्वल टू आर। बस इतना, दो लाइन लिखनी, ज़्यादा नहीं लिखनी। अगर आपको ये भी अच्छा नहीं लगता लेट एम बी अवर ऑब्जर्वेशन पॉइंट, तो आप ओ एम इक्वल टू आर लिख दें, चलेगा। ठीक है, तो जैसे ही दो चार्ज रखे तो दोनों के बीच में कूलम्बियन फोर्स लगता है, तो फ्रॉम कूलम्स लॉ एफ इक्वल टू, देखो मैं एफ के दोनों तरफ मैंने दो पैरेलल ये दीवारें खड़ी की, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं मॉड्यूलस। तो एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू, तो ये क्यू वन है और ये क्यू टू है, के क्यू क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर आर स्क्वायर। और ये किस तरफ लग रहा है फोर्स? ये इधर आ रहा है। ओके, एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंस टू ज़ीरो एफ अपॉन क्यू नॉट। तो मैं अब यहाँ एफ की वैल्यू रख दूंगा इक्वेशन वन से, फ्रॉम इक्वेशन वन इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंस टू ज़ीरो
अब एफ की वैल्यू ये रख दी अपन ने, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और ये क्यू नॉट पहले से था इसको भी रख दिया। अब देखिए क्यू नॉट क्यू नॉट क्यू नॉट चला गया। अब जब क्यू नॉट ही नहीं बचा तो ये लिमिट लगाने से तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो हम आगे लिखेंगे इक्वल टू ये बचा खाली के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आपने देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए के चाहिए, क्यू चाहिए और आर, क्यू नॉट चला गया, यानी क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज होता है वो जस्ट लाइक ए कैटलिस्ट, वो रिएक्शन में भाग तो लेता है लेकिन उसको कुछ बिगड़ता नहीं है, वो बाद में एज इट इज़ बचा रहता है। तो यहाँ भी यही है, इसकी पूरी वैल्यू मैं लिख रहा हूँ फिर से, क्योंकि के की वैल्यू आपको पता है, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² और ये कौन सी डायरेक्शन में लगा, देखिए आपका टेस्ट चार्ज इधर मूव करेगा क्योंकि ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये अलॉन्ग एम एक्स जाएगा, अलॉन्ग एम एक्स, और इसको हम फिर वेक्टर फॉर्म में भी लिखते हैं। तो किसी भी क्वांटिटी को अगर आपको वेक्टर बनाना हो तो वेक्टर बनाने के लिए उसको एक कैप पहना देते हैं हम, उस कैप में एक एरो लगा होता है जिसे कहते हैं यूनिट वेक्टर, जो इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो हम वेक्टर नोटेशन में लेते हैं, ये मैग्नीट्यूड नहीं बढ़ाता लेकिन उसको डायरेक्शन दे देता है। इन वेक्टर नोटेशन ई, देखो वेक्टर बना रहा हूँ इसको, तो ये था क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² तो ये वेक्टर है तो यहाँ भी वेक्टर होना चाहिए, तो यहाँ क्यू तो वेक्टर हो नहीं सकता, वो चार्ज है, ये भी कांस्टेंट है, आर वेक्टर बन सकता है डायरेक्शन, तो इसको हमने रख दिया आर यूनिट वेक्टर। अब ये वेक्टर नोटेशन में आ गया आपके पास, तो इससे आपको क्या पता लगा, इससे पता लगा ई प्रोपोर्शनल क्यू एंड ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। अगर आपको कोई ग्राफ प्लॉट करने को बोले कि क्यू और ई के बीच में ग्राफ प्लॉट करो, तो आपको मालूम है ये स्ट्रेट लाइन आएगा क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर आर लिया आपने तो ये आपका ऐसा आएगा हाइपरबोला। तो आपको आज आपको ये मालूम पड़ गया कि किसी भी चार्ज का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड और उसका डिस्टेंस, ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम टेस्ट चार्ज, सॉरी सोर्स चार्ज। कई बार बच्चे आर के बारे में बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आर आपको समझा देता हूँ। आर हमेशा आप याद रखें ये होता है डिस्टेंस बिटवीन सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। तो आज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली एक चार्ज की वजह से, और अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से, इसे हम कहते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। तो ये बहुत इजी है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, इसको हम आज कर लेते हैं, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का मतलब होता है कि ये ग्रुप ऑफ चार्जेस के लिए है, आपके पास दुनिया में एक चार्ज तो है नहीं, ढेर सारे चार्ज हैं। अब जब इतने सारे चार्ज हैं तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें, तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम ये एक आपने चार्ज ले लिया Q1, जब ये चार्ज लिया तो ये ओरिजिन से अटैच होगा और इसका पोजीशन वेक्टर R1 होगा। एक और ले लेता हूँ मैं यहाँ Q2, उसका पोजीशन वेक्टर होगा R2, ऐसे बहुत सारे हैं, तो लास्ट में मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ Qn और इसका पोजीशन वेक्टर Rn है। एंड यू नो वेरी वेल इफ़ वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देन वी नीड अवर गुड फ्रेंड दैट इज़ टेस्ट चार्ज। तो इनके बीच में आपको टेस्ट चार्ज को छोड़ देना है, टेस्ट चार्ज इन सबसे इंटरेक्ट करेगा, और सबसे बड़ी खासियत यह है कि टेस्ट चार्ज जो है बाकी चार्जेस के प्रेजेंस से उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। जैसे टेस्ट चार्ज मतलब आपका टीचर हो गया और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो टीचर हर स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रहा है, तो ये जो टेस्ट चार्ज है ये इसका भी पोजीशन वेक्टर होगा, इसको R0 बोला मैंने, और ये है हमारा Q0। ठीक है, तो सबसे पहले ये इन दोनों के बीच में फोर्स एक्सपीरियंस होगा, तो टेस्ट चार्ज इधर भागेगा,
तो ये देखिए, ये हो गया आपका ई नॉट वन, या इसको ई वन भी कह सकते हैं हम। ओके, देन इससे करेगा तो ये इधर आएगा, तो ये हो गया ई टू, और एन वाले से करेगा तो इधर भागेगा, ये हो गया ई एन। अब इन सब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अगर आप ऐड कर दो तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस आ जाएगी। तो मैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल की डेफिनेशन लिख रहा हूँ। इट स्टेट्स दैट, इट स्टेट्स दैट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू वेक्टर सम आएगा, ये अल्जेब्रिक नहीं आएगा क्योंकि ये वेक्टर है, वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ईच इंडिविजुअल चार्ज। फिर से देखिए, अब इट स्टेट्स दैट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ईच इंडिविजुअल चार्ज। सो हमने बहुत सारे ले लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू क्यू वन क्यू टू क्यू एन सब के लिए निकालूंगा। और यहाँ हम देखो फार्मूले का यूज़ करेंगे। ई होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी हमको सिर्फ चार्ज लेना, सोर्स चार्ज। तो इसकी इंटेंसिटी पहले वाले की क्या होगी, ई वन इक्वल टू के क्यू वन अपॉन आर वन ओ, इससे डिस्टेंस ले लिया मैंने, आर वन ओ स्क्वायर। ई टू लूँगा के क्यू टू अपॉन आर जीरो टू स्क्वायर, एंड ई एन इक्वल टू के क्यू एन अपॉन आर नॉट एन स्क्वायर। ये मैंने तीनों का लिख दिया, तीनों मतलब और जितने अभी इन सबको ऐड कर दूंगा मैं, इससे वेक्टर में भी आ जाता है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई नेट इक्वल टू ई वन प्लस ई टू प्लस ई एन। तो ई नेट इक्वल टू आ गया, ई वन की वैल्यू रख दी मैंने, के क्यू वन अपॉन आर वन जीरो स्क्वायर, के क्यू टू इज इक्वल टू आर टू नॉट स्क्वायर प्लस के क्यू एन अपॉन आर नॉट एन स्क्वायर, सॉरी आर एन नॉट स्क्वायर। एक्चुअली जिधर से जिधर चार्ज मूव करता है उस तरफ, तो ऐसे चार्ज मूव करेगा। ये देखिए चार्ज क्यू नॉट है ये, तो ये चार्ज हमेशा क्यू वन की वजह से इधर मूव करेगा, इसीलिए डायरेक्शन आपको यहाँ से यहाँ लेनी पड़ेगी, यानी वन से यहाँ, और यहाँ से आप वेक्टर एडिशन से जब निकालेंगे ये वाली वैल्यू तो वो यही आने वाली है। तो इनको इसमें कॉमन आ रहा है के, बाकी सब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो ई नेट इक्वल टू के क्यू वन अपॉन आर वन जीरो स्क्वायर, क्यू टू अपॉन आर टू नॉट स्क्वायर प्लस क्यू एन अपॉन आर एन नॉट स्क्वायर। नाउ लुक हियर कि क्या चेंज हो रहा है यहाँ पर, ये देखिए वन टू एन, यहाँ भी वन टू एन, तो हम इसको लिख सकते हैं समेशन क्यू आई अपॉन आर आई ओ का स्क्वायर, और आई की वैल्यू हो जाएगी वन से एन। और अगर आपको इसको वेक्टर नोटेशन में लिखना है तो वेक्टर इक्वल टू के समेशन आई इक्वल टू वन टू एन, क्यू इक्वल टू ये आर नॉट आर आई ओ का स्क्वायर, और यहाँ पर आप लिख देंगे आर आई यूनिट वेक्टर। सो दिस इज़ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आप देखिए कि आज हमने चार चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए तीन हमारे पास मेथड्स हैं। सबसे पहली मेथड हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसकी डेफिनेशन हमने यहाँ ली थी एफ अपॉन क्यू नॉट। डेफिनेशन के बाद अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली, सबसे पहले पॉइंट चार्ज की वजह से, ये देखिए आप
अच्छी तरह दिख रहा होगा आपको। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यानी ग्रुप ऑफ चार्जेस के लिए निकाली है, और इसको निकालने से हमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज पे डिपेंड करती है, टेस्ट चार्ज पे नहीं। अब यहाँ पर मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। पहला तो मैं आपको दूंगा न्यूमेरिकल्स, नंबर टू क्वेश्चन आंसर्स, आपके पास जो भी बुक है कंसेप्चुअल वो आप पढ़ें, ये बहुत ज़रूरी है। और जितने डेरिवेशंस मैं आपको करवा रहा हूँ उनको आपको लिखकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तीसरा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे, और चौथा मैं आपको शीट दे रहा हूँ। ये न्यूमेरिकल आप बुक में से कहीं से भी और भी कर सकते हैं, तो ये आपको दिखा रहा हूँ मैं, इसको ध्यान से देख लें आप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की शीट है, अच्छी तरह दिखा रहा हूँ। ये फर्स्ट है, ये देखिए आप, इसका आप बाद में स्नैपशॉट ले सकते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह दिखाई देगा। और इसका एक और पेज है, वो पेज भी आपको दिखा रहा हूँ। ये सुपर पोजिशन के लिए है, ख़ास तौर से ये है कि इसके सॉल्यूशंस भी इसके साथ दिए हैं और आंसर दिए हैं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए, ये देखिए। तो बच्चों आज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने कवर किया है, अब हम डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। और डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल और ब्रॉडसाइड ऑन पोजीशन पे निकालेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। आप मेहनत करें, और मुझे बनाने में थोड़ी तकलीफ़ हो रही है तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ करें। इस पर आपके कमेंट्स भी ज़रूर दें, इसको लाइक करें और शेयर भी करें। और अगर आप इसको अनलाइक भी कर रहे हैं तो मुझे उसका रीज़न लिखें कि क्यों अनलाइक कर रहे हैं, ताकि हम इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकें। तो बच्चों हेल्दी रहो, अच्छा खाना खाओ, सुबह जल्दी उठो, माता पिता की सेवा करो और स्वस्थ रहो। थैंक यू।